इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ना ही कोई ऐसा देश है और ना ही कोई ऐसा प्रदेश जिस पर इस महामारी का प्रभाव ना पड़ा हो। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट संस्थान के तौर पर एसएल समूह ने कोरोना से लड़ाई में भी अपने दायित्वों को हमेशा निभाया है। इसी कड़ी में जी इंटरटेनमेंट एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका की प्रेरणा पर जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 20 एम्बुलेंस और 4000 पीपीई किट सौंपी ताकि कोरोना से लड़ाई के वक्त राजस्थान के प्रयासों को और मजबूत किया जा सके। ऐसे दौर में जबकि दुनिया के हर क्षेत्र को कोरोना की महामारी ने सामाजिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर प्रभावित किया है, कोरोना के संक्रमण ने दुनिया की कई सरकारों की भी रीढ़ तोड़ दी है। वैश्विक संकट की इस घड़ी में भी एसएल ग्रुप ने हमेशा से अपने कॉरपोरेट दायित्वों को तो निभाया ही, साथ ही हर स्तर पर समाज की सेवा में लगा रहा है। जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत राजस्थान में बड़ी भागीदारी निभाते हुए जी इंटरटेनमेंट एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका की प्रेरणा पर जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 20 एम्बुलेंस और 4000 पीपीई किट सौंपी ताकि कोरोना से लड़ाई के वक्त राजस्थान के प्रयासों को और मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की मौजूदगी में एसएल ग्रुप की तरफ से जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव द्वारा राज्य सरकार को हैंडओवर की गई 20 एम्बुलेंस को अपने आवाज से हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी में मदद करने और इस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी इंटरटेनमेंट एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका का आभार जताया। खुशी है कि आपके जी राजस्थान की तरफ से आज जो 20 एम्बुलेंस दी गई है ये भी काम आएगी और मेरे जो हमारे प्रयास है उस प्रयास के अंदर आपका योगदान सराहनीय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मास्क की वैक्सीन है, इसे जन आंदोलन की तरह लिया। मास्क ही वैक्सीन है, बिना मास्क कोई एंटी नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए, सभी जो हमने नारे दिए थे राजस्थान सतर्क है, सभी नारे दिए, वो नारे लोगों की जबान पे आ गए थे और वो भी एक कारण रहा कि राजस्थान में हम लोग अच्छे मैनेज कर पा रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा इसीलिए है, हर काम हमने एक प्रकार से पहल करके किया। जैसे अभी पहले अभियान चलाया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जी, अब हमने चलाया जन आंदोलन। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम संस्थाएं, तमाम पब्लिक के लोग सब ने साथ दिया और मैं समझता हूँ कि जिस रूप में कोरोना जंग को लड़ रही है राजस्थान प्रदेश की जनता बेमिसाल है। जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील की ये पहल राजस्थान के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और बड़ा करने में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए जी इंटरटेनमेंट एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका के इस कदम का स्वागत किया। कोरोना से लड़ाई में राजस्थान के प्रयासों को मजबूत करने के लिए आयोजित ये सारा कार्यक्रम जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव की देखरेख में संपन्न हुआ। जी ग्रुप ने ऐसे ही सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरे तमाम राज्यों में भी ऐसे ही मदद मुहैया कराई है। देखिए, जी प्रारंभ से ही सामाजिक सरोकारों से करीब से जुड़ा रहा है और उसी कड़ी में आज जी एंटरटेनमेंट के द्वारा राज्य सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए 20 एम्बुलेंस और 4000 से अधिक पीपी किट उपलब्ध कराएं। आज माननीय मुख्यमंत्री ने महोदय ने इन एम्बुलेंस को जनता की सेवा के लिए राज्यभर में भेजा है और मैं आशा करता हूं कि जी का यह प्रयास राजस्थान की जनता को हेल्प कर पाएगा, कोरोना से लड़ने में सहयोग कर पाएगा। जील के माध्यम से आज जो हमने सीएसआर एक्टिविटी की है और हमें हमारी जो प्रयास जील की तरफ से रही है कि हमने 20 एम्बुलेंस माननीय मुख्यमंत्री साहब को दिया है, सौंपा है राजस्थान को, साथ में हमने 4000 पीपी किट दी है। ये पूरे राजस्थान राज्य के लिए हमारे तरफ से जील की तरफ से जितना सहयोग हो सका है हमने किया है और हम आगे भी जील का हमेशा प्रयास रहेगा कि आगे भी हम इस तरह के सहयोग में कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे।
आपको बता दें कि जी ग्रुप सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों में हमेशा से ही अग्रणी रहा है और लगातार वो इस तरह के प्रयास करता रहा है जिनसे समाज की सेवा की जा सके। जी एंटरटेनमेंट MD और CEO पुनीत गोयनका के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज CSR के तहत जील एक बड़ी भागीदारी का हिस्सा बना है। अंकित तिवाड़ी, जी मीडिया, जयपुर।